रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। चंद के हवाले से भी हुआ है, इस पर भी आप इत्तेहाद कर रहे हैं। आज जो यहाँ के छाप ऐसे लतीफ ड्रोन के लोग आएंगे, इनके हवाले से क्या हम मैच करेंगे, आप इनको कितना सपोर्ट करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ इंसाफ अपने प्रेस क्लब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जनाब हलीमाद शेख, समीर शेख व दीगर हमारे कारकुन हैं जिनके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट बर्बरियत पे उतरी हुई है और उनके खिलाफ FIR हैं, उनके पास 780A के केसेस बनाए हुए हैं, झूठे केसेस बनाए हुए हैं। हमें अदालतों से उम्मीद है, लेकिन हम यहाँ सब जमा थे तो वो एहतजाज हमारा जारी है। तो मैंने ये देखा कि शाह लतीफ़ के भी कुछ अफराद ये बैनर लेके आए हुए हैं, इनकी कुछ ज्यादतियाँ नारेबाजी कर रहे थे, तो मैंने मालूम की। तो इनका जो मसला है, मैं समझता हूँ जेन्युइन मसला है, इसको हल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से करप्ट हुकूमत है, उनका मकसद ही ये है कि आज जो जिसके पास जो है वो लूट लो, खसूट लो, जिस तरीके से कर लो, चाहे किसी की जेब में हो, किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी के प्लाट हो, चाहे मुल्की इदारे हों, चाहे किसी भी किस्म के इदारे हों, हर चीज़ में करप्शन करप्शन करप्शन। तो अभी इनसे बातचीत हुई है, तो मैंने इनसे कहा कि जो आपकी एप्लीकेशन है बाकायदा, वो आप हमारे हवाले करें, इंशाल्लाह ताला इस पर हम प्राइम मिनिस्टर से उनका जो पोर्टल है उसमें जाके और उनसे डायरेक्ट भी रब्ता करके इस पर एक्शन दिलवाएंगे। इसलिए कि ज़मीन के कब्ज़ों के मामला के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल जो है डायरेक्ट एक्शन लेता है और वहाँ इनकी हमसे जितनी मदद हो सकेगी हम इनके साथ खड़े होंगे। जो पहाड़ों में कब्जा किया है उनसे बिल्कुल ना पूछता है, जो दरख्वास्त लगाते हैं वो रजी टोकरी में फेंके जाते हैं, ना उन मुखालिफ चोरों लोगों में डाकों बताखोरों में ना अफियारे काटे जाती है। हम बहुत परेशान हैं, यकीन करो। वहाँ ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए, मैं कौमी खिदमत वेलफेयर का वहाँ के सरपरस्त आला हूँ, ऐसे लोग मेरा वीडियो मौजूद है, वो कह रहे हमारा प्लाट अगर आज़ाद नहीं हो तो हम तेल लगा के हम अपने आप को जला लेंगे, हम जिंदा है जब तक हमारे में सांस है हम अपना प्लाट नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हमारा हकाम बाला से अपील है कि बेलफोर जो है ना इंस्पेक्शन लिया जाए और इनको दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए। जनाब के वकील हैं अफीशर और इनके दिगर साथी हैं वकला। सबसे पहले तो मैं सिंध हुकूमत से और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट कौंसल बार एसोसिएशन से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप पहले सबसे पहले इंक्वायरी करके इनके लाइसेंस मंसूख कर दें। MDA और KDA के अफसरान, इसी तरीके से शाह लतीफ़ टाउन के अफसरान और कांस्टेबल्स की भी बरतरफी करें और इनकी गिरफ्तारी के भी आर्डर दी जाए जो माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, और MD वाटर बोर्ड और इस महकमे वाटर बोर्ड को भी बरतरफ किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना कीमती वक्त इस वक्त ज़ाया हो रहा है, ये जो खवातीन हैं घर से मजदूरी करती हैं, मुख्तलिफ बंगलों पे काम करके इन्होंने प्लाट लिए और ये सन 82 की अलाटमेंट, उसके बाद 92 की अलाटमेंट, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लाटों की आपको वेरिफिकेशन मुकम्मल मिलेगी इंशाल्लाह, इदारे में उसका रिकॉर्ड एंट्रियाँ मिलेंगी। और जबकि ये कब्ज़ा माफिया जो फैक्ट फाइलें बनाकर प्लाटों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और इन जैसी खवातीन को गाली गलौज करते हैं, डंडे जूते उठाते हैं, शराब पी के नशे की हालत में इनको पिस्तौल दिखा के जगह ज़मीनों से भगाते हैं और ये मजबूर है इस वक्त आपके प्रेस क्लब के सामने खड़ी हैं। वज़ीर आला सिंध से मेरी अपील है कि खुदारा हमारी मदद करें, हमारी लाखों रुपए की जायदाद जो हमने कतरा कतरे से दरिया बनता कहते हैं, हमने एक एक रुपया जमा करके छोटी छोटी बीसियाँ डाल के ये प्लॉट लिए खरीदे हैं और आज हम अपने ही प्लाटों पर लोग कब्जा करके बैठे, हम अपनी ज़मीन पर तामीराती काम नहीं कर सकते। इनके साथ तमाम ये थाने से लेके MDA दफ्तर तक के अफसरान मिले हुए हैं, तो खुदारा फैक्ट फाइलें बनाने वालों को, फैक्ट फाइलें रखने वालों को और फैक्ट फाइलों पर भत्ता मांगने वालों को फौरी गिरफ्तार करें और इन पर इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं, क्योंकि ये जमा पूंजी है उन गरीबों की जिन्होंने रात दिन मेहनत मजदूरी करके और ये अपनी ज़मीन बनाई है। तो तमाश है कि मेरी इस अपील को वज़ीर आला सिंध तक पहुँचाया जाए, गवर्नर सिंध तक पहुँचाया जाए और हमारे प्लाटों को रिलीज़ करवाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए।